अयोध्या राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फैसला आने वाला है। दशकों से देश के लोगों को जिस घड़ी का इंतजार था, अब बस फैसले की वो घड़ी आने ही वाली है। और जैसे जैसे फैसले की घड़ियां नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे देश में हलचल तेज होती जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और उससे पहले कभी भी कोर्ट से फैसला आ सकता है। कोर्ट से फैसला आने से पहले योगी आदित्यनाथ अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। यही वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील 34 जिलों के पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इन जिलों में मेरठ, आगरा, अलीगढ़, रामपुर, बरेली, फिरोजाबाद, कानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और आजमगढ़ आदि जिले शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ अयोध्या मामले को लेकर काफी गंभीर है और सीएम योगी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद प्रदेश में किसी भी तरह का हिंसा ना हो। योगी सरकार अफवाह फैलाने वाले पर भी कड़ी नजर रख रही है ताकि सोशल मीडिया के जरिए अफवाह ना फैलाया जा सके। अयोध्या को अभी से ही किले में तब्दील कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। ओएमएच न्यूज भी आप सबसे अपील करता है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अफवाह फैलाने वाले मैसेज को शेयर ना करे और जो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में प्रशासन को सूचित करे ताकि देश में शांति का माहौल बना रहे। अब कभी भी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ सकता है। देश को अयोध्या मामले में फैसले का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।